हाथों में आती है, आपके पैरों में आती है, आपकी आंखों में आती है, आपके अंतर में समा जाती है, अंतर अंतर में। जैसे रोम रोम में प्रेत समाता है, वैसे ही आपके रोम रोम में मंत्र का देवता समा जाता है। मंत्र के देवता बड़े सशक्त है और हमारा मंत्र भी बड़ा सशक्त है। जब मैं भजन बताऊंगा मंत्र का, तो कुछ दिन बाद मैं आपको भजन बताऊंगा, न्यास बताऊंगा, जैसे ही आप उसको घर पे करेंगे तो आपका और वेग बढ़ जाएगा, तीव्रता बढ़ जाएगी। लेकिन वो मैं अभी नहीं दूंगा, अभी जो चार बार आए हैं, आज पांचवा रविवार है, ऐसे पहले 10 रविवार पूरे करूंगा, फिर आपको मंत्र बताऊंगा। वो मंत्र आपको घर पे जपना है, वो भजना है, फिर ये बताऊंगा कि उससे कैसे आपने प्रेत निकालना है, और फिर ये भी आपका पहले सुनिश्चित करूंगा कि आपको प्रेत निकालते हुए कभी भी प्रेत जो है वो आपके शरीर में प्रविष्ट ना हो सके, उसको सुनियोजित तरीके से आपको बताऊंगा। तो पहले आए और फिर पाए, और पहले आपने नियम निभाना है। तो सबने अपने अपने 10-10 पूरे करने हैं, जिनके 10-10 पूरे होते जाएंगे उनकी मैं क्लास लेता जाऊंगा, उनको हम मंत्र से अवगत कराएंगे, और मंत्र जो है तथागत रूप में उनको प्रदान करेंगे ही करेंगे। बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव। इस रूप से तो आप आए सीखे, मैं ये चाहता हूँ, आप करें समाज में ये काम, मैं ये चाहता हूँ। बस किसी को ठगे ना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं, ठीक है, किसी के साथ ऐसे संयोजन ना करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 5,00,000 रुपए देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके मनु भैया ने आज तक कुछ स्वीकार नहीं किया ऐसा, बिल्कुल भी। आदमी को मना करके भगा और देते हैं, और उसको कहते हैं सहजता से आता रहिए, क्रम ऐसा है इसमें बहुत धीरे धीरे पीछा छूटता है एक बार चीज रमने के बाद, और वो पूरे परिवार पर क्रिया फैली होती है। लेकिन पूरे परिवार की भी क्रियाएं निकाली जा सकती हैं। आपने देखा होगा लंबे समय बाद, अभी हमने एक बच्चा तैयार करके भेजा है, उसने अपना धाम खोला है, लेकिन ये बात याद रखे कि उसको मैंने बहुत तत्परता के साथ ठीक किया है। ऐसे ही आप भी ठीक हो, लेकिन कभी किसी को लूटे ना, कभी किसी को ठगे ना, और समाज में ऐसा कार्य करें, और ऐसे काम करके, उत्तेजना नहीं, उत्तेजना में नहीं, ऐसे कार्य करके जो स्थिरता आपको प्रदान करे, आपके कुल को स्थिरता प्रदान करे, आपका कुल वंश गति पाए, वृद्धि हो, आपके अग्रज जो है और जो आपके पूर्वज हैं, पूर्वजों की मुक्ति हो और अग्रजों का क्या हो, बढ़ोतरी हो संसार में, ठीक है ना। तो इस नियम को अगर पालन करेंगे, तो अगर काम भी नहीं करेंगे तो अपने घर में खुशहाल तो रहेंगे ना, आपके घर में कभी ऐसी चीजें नहीं आए, इसके लिए भी आप मेरे पास आ सकते हैं। और हम पूरे विश्व को एक बात बता दें कि हम केवल यज्ञ ही करेंगे, हम रोजाना का यज्ञ करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर शनिधाम से अपनी क्रिया कराता है, वो यहाँ आता है, रोजाना का यज्ञ जो होगा, जो उसमें 30-40 हजार रुपए की सामग्री लगेगी रोज के यज्ञ में, वो हमारी तरफ से लगेगी, किसी की तरफ से नहीं लगेगी। और आप जैसे ही क्रिया कराएंगे, आप शनिधाम में हर रोज भी आ सकते हैं। हमारा मानना है पहले आप 8 बार आएंगे, उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्रिया करती है तो वो शनिधाम मुफ्त में करता है, यानी कि आपको केवल यज्ञ में सवेरे से शाम तक शामिल होना है। और जिस तरह से मैंने इस बहन जी के हाथ में दर्द देके उसके प्रेत को पीछे कर दिया, इस तरह से हाजिरी से हमें सबको विमुख होना है, जिससे हमारी चीजें यज्ञ में बैठ के कट जाए। यही प्रेत बाधा निकालने का सबसे, दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे आपका घर सुखी हो, आपका परिवार सुखी हो, माताओं बहनों की हाजिरियां तकरीबन बंद हो जाए और उनके शरीर स्वस्थ होते चले आए। केवल यज्ञ के माध्यम से उसकी विभूति जो देवता के भोग का प्रसाद का झूठन है, वचन है, और उसको लेकर उसको चक्के अपने शरीर के तंत्र मंत्र यंत्र आदि क्रियाओं को निकाल कर और अपने शरीर को सुगठित करते हुए, स्वच्छ करते हुए सदैव सदैव जप करें, ध्यान करें। और मैं जो जप, जो ध्यान, जो मंत्र संयोजित मैंने किए हैं, वो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। जो मैं आज जप रहा हूँ वही आपसे जपाऊंगा, उसी से आपको कुछ करके दिखाऊंगा, उसी से आप जब करने लगेंगे तो आपको उसकी महत्ता पता चल जाएगी, आपको अपने देवता का विश्वास होगा और देवता में श्रद्धा होगी बकायदा, और आपकी श्रद्धा बढ़ने से आपके कुल में ऐसी चीजें कभी भी नहीं आएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय, साबिर प्यारे की जय। आज बड़ी रोशनी है, हम सब साबिर प्यारे का जो है, मैं उनकी भक्ति को देख के बड़ा प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जो साबिर प्रिया है आज उनका उर्सी उनका चलेगा और आने वाला समय भी उनका है। और ये कलियर शरीफ जो है, ये आपको पता है पड़ता है कहाँ, कहाँ पड़ता है, रुड़की में पड़ता है, हरिद्वार से पहले आप वहाँ देखते हैं, वहाँ की जो देव तरंगे हैं वो सबको विमोहित करती हैं, सबको मोहित करती है, ललायत करती है। और वे तरंगे ऐसी हैं कि आपके शरीर के अंदर अगर निगेटिविटी है तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं मेरे शरीर के अंदर निगेटिविटी है, वो जैसे ही आप जाली पकड़ते हैं
वो निगेटिविटी जो है आपकी पकड़ी जाती है जालियों में, चिल्लाती है, रोती है, पीटती है, और वहाँ भी लाखों आदमी हर माह ठीक होता है। और भीड़ पे उर्स में भीड़ पे एक एक दिन में 3-3 टन आटा जो है वहाँ लगाया जाता है। आज का जो वहाँ भंडारा है वो हमारी तरफ से है, यानी कि शनिधाम की तरफ से है वहाँ का भंडारा। उसके लिए भी मैं शनिदेव महाराज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी महत्ता, इतना बड़ा कार्य उन्होंने यहाँ शनिधाम को सौंपा है। एक और दूसरा ये कि हम उनका जो उर्स मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम में तो कुछ मानता नहीं, और जिस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब में मुस्लिमों की वाणी है और जो संत होते हैं वे संत ही होते हैं, उनके हृदय में कभी भी भेदभाव नहीं होता क्योंकि उनकी भेद दृष्टि नहीं होती। तो जिन्होंने अपने अपने इष्ट को पा लिया होता है उनकी भेद दृष्टि समूलतः नष्ट हो जाती है, और वो जो भेद दृष्टि है जब वो नष्ट हो जाती है तो आपको केवल मानव इंसान और उनका सेवा धर्म ही मिलता है। तो साबिर प्रिया हर रोज लंगर बांटा करते थे, आपको भी प्रसाद रूप में समोसे खाने को मिलेंगे, नकारिएगा नहीं, एक तो जरूर खाइएगा, और जिन्होंने खा भी लिए हैं वो चाहे थोड़ा सा चखें खाएंगे जरूर। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय। और उर्स इसी रूप में है कि आज उनकी इस पावन दिवस पर आप लोग यहाँ आए हैं, और आप लोगों में वृद्धि हो मेरी ऐसी आकांक्षा है, आप लोगों की शुद्धि हो मेरी ऐसी आकांक्षा है, आप लोगों को श्रेष्ठ बल मिले, आपकी सिद्धियों को बल मिले, आपके पितरों को बल मिले, आपकी शक्तियों को बल मिले, मैं यही चाहता हूँ। और आपकी शरीर की अगर दुष्ट आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, निगेटिविटी है, तो वो निकल कर साफ हो जाए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।